दोस्तों पायल जोन आए दिन किसी ना किसी पे फेक वीडियोस बनाती रहती हैं। कई सारे यूट्यूबर्स पे उसने फेक एलिगेशंस वाले वीडियोस भी बनाए हैं, पर अभी कुछ ही दिनों पहले दो यूट्यूबर्स ने पायल को रिप्लाई देते हुए डिटेल्ड वीडियो बनाया और दो यूट्यूबर्स का नाम सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान है। जी हाँ, हाल ही में ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी ने कोलैब किया था, पर ये कोलैब वैसा नहीं था जैसे आमतौर पर यूट्यूबर्स अपने व्यूअर्स के लिए करते हैं। ये कोलैब था दूसरे यूट्यूबर पे फेक एलिगेशन लगाने वाली पायल के बारे में। वैसे तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर कंटेंट में दम ना हो तो व्यूअर्स वीडियो को आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं और कई सारे यूट्यूबर्स अपना चैनल सिर्फ मोनेटाइज करने के लिए ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। पर पायल जोन और मेहनत का भाई दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। अगर पायल की वीडियो पे व्यूज आते हैं तो वो उन लोगों की वजह से आते हैं जिन पे पायल फेक एलिगेशन लगाती हैं, और ये बात खुद निश्चय ने अपने इस वीडियो में कही थी। अब जब सौरभ और निश्चय पायल के वीडियोस देख रहे थे तब सौरभ ने कहा कि अगर ये फेक एलिगेशन लगा रही है तो उसके चैनल पे इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं। तब निश्चय ने समझाया कि कौन देख रहा है, तुम्हारे नाम पे आ रहे हैं, मेरे नाम पे आ रहे हैं और वो तमाम क्रिएटर्स के नाम पे आ रहे हैं जिनके नाम पे वीडियोस बनाती जाती है। सौरभ को शौक तब लगा जब उसने देखा कि पायल के चैनल पे ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई सारे वीडियोस हैं और उसने कई सारे यूट्यूबर्स पे काफी कुछ बोला भी है। बट अगर आप पायल की वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सच क्या है। और पायल के इस कांड का शिकार सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी नहीं है, पायल ने फ्लाइंग बीस्ट पे भी वीडियो बनाया और यहां तक कि उसने आयु और पीहू शो नाम का जो किड यूट्यूब चैनल है उस पे भी फेक एलिगेशंस वाले वीडियो बनाए हैं। लेकिन इस बार ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी ने पायल को रिप्लाई देते हुए एक कोलैब किया है। पायल अपने हर वीडियो में लोगों पे झूठे इल्जाम लगाती हैं। सौरभ जोशी ने उनकी नाक काट दी, सौरभ जोशी ने उनका घर जला दिया, सौरभ जोशी की वजह से उसके बाल चले गए, लेकिन फिर भी सौरभ जोशी या फिर ट्रिगर्ड इंसान ने पायल के बारे में अपने इस वीडियो में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। इनफैक्ट जब निश्चय ने पायल को इंस्टाग्राम पे डीएम किया और कहा कि ऐसे व्यूज नहीं आएंगे और अगर इस तरह की फेक वीडियो बनाओगी तो ऑडियंस भी चली जाएगी, तो पायल ने कहा कि सब चलता है, बस व्यूज आने चाहिए। इस कोलैब की अपडेट्स दोनों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाली थी, पर फिर भी पायल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा पायल ने दोनों के कोलैब पे ही वीडियो बना दिया। इससे तो ये समझ में आता है कि पायल जोन जैसे यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ व्यूज मैटर करता है, व्यूज के लिए किसी पे भी झूठे इल्जाम लगाना पड़े लगा दो और क्या, किसी के बारे में कुछ भी बोलना पड़े बोल दो और क्या। हालांकि हम यानी कि व्यूअर्स इसे रोक सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि पायल जोन फेक वीडियोस बनाती है, तो हमें उसके वीडियो पे क्लिक करना ही बंद कर देना चाहिए। अगर उसके चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे तो ये सब अपने आप ही रुक जाएगा। वैसे दोस्तों क्या आप में से किसी ने पायल जोन के वीडियोस देखे हैं? अगर देखे हैं तो आपका क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।